तो ऑन कर लेते हैं जी लाइट शाइट और फ्रिज ओपन करते हैं और निकालती हूँ जी एग्स, क्योंकि मैं आज सोच रही हूँ कि आज मैं बनाऊँ जी अपने लिए एग। तुम्हारे ब्लॉग कैसे हैं आप सब? होप यू डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू दिल से आप सबका जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और देख रहे हैं मेरे चैनल को और मेरे ब्लॉग्स को लाइक कर रहे हैं। प्लीज़ इसी तरीके से मेरे चैनल को जी सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँ। तो अभी जी स्टार्ट करने लगी हूँ इस सहरी और सहरी में बनाने लगी हूँ अपने लिए ऑमलेट और साथ खाऊंगी जी पराठा शराठा और थोड़ा सा हेल्थी खाती हूँ ताकि ये बाद में डाइट शाइट कर लेंगे जनाब और एक्सरसाइज भी कर लेंगे। लेकिन मैंने अभी तक योगा छोड़ी नहीं है, मैं साथ साथ आफ्टर जो अफ्तार है मैं योगा भी कर लेती हूँ, एक्सरसाइज हो जाऊँ और ईद पे लगूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना, अपनी बिल्कुल डाइट का भी ख्याल रखना है। ऑमलेट खा लेती हूँ क्योंकि घर में बना हुआ है मटन और मेरा मटन खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। रमज़ान में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर मटन बीफ चिकन से, क्योंकि मुझे ना तो सहरी में अच्छा लगता है और ना ही अफ्तारी में अच्छा लगता है। जी स्टार्ट करते हैं अपनी सहरी और बनाती हूँ अपने लिए ऑमलेट। पहले कट कर लेते हैं जी अनियन, और अनियन आप लोग कैसा खाते हैं, मैं तो बस जैसा भी हो चॉप कर लेती हूँ या फिर स्लाइसेस कर लेती हूँ। मेन चीज़ तो अनियन ऐड होना है, तो वही ऐड कर रहे हैं। तो यार जी हम लोग थोड़ा सा धनिया भी ले लेंगे, उसको भी बारीक बारीक सा जो है वो कट कर लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बहुत मज़े का लगता है जितना भी आप लोग इसके अंदर ग्रीन चीज़ें डालते हो। तो यहाँ जी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बॉल के अंदर कट करके रखी हैं। अब इसमें हम टू एग्स ऐड करेंगे, वन और साथ बन रहे हैं जी पराठे करमा करम। पराठे हाँ, कुकी कहती है पराठे, लाहौरी कहते हैं पराठे। तो हमने 2x इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है जनाब, ये इसके अंदर ऐड हो गए 2x। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी चिली पाउडर, देन हमारा जो है वो एग रेडी होगा। इतना सा बस डालना है आपने, बहुत ही कलरफुल सा ये एग बन रहा है। मैं वैसे इसके अंदर चीज़ भी ऐड करती हूँ लेकिन इस टाइम मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि हम लोगों ने पराठे के साथ खाना है, तो पराठे के साथ ना मज़ा नहीं आता, वो बहुत ही ज़्यादा ना वो हो जाता है चिकना चिकना। आप लोगों ने मायरा इफ़ी को काम करते हुए अब देखा है भाई, काम करती हूँ मैं, ये बात नहीं कि मैं काम करती करती है, काम इतना नहीं है कि मैं नहीं करती। लोगों ने ऐसे ही बदनाम किया हुआ कि मैं काम नहीं करती। तो अब बस इसको पराठे बनने के बाद फ्राई करेंगे क्योंकि ये अजीब सा वो चिपचिपा सा हो जाता है, तो हमेशा पराठे जब बन जाए देन आप लोग फ्राई करें और वरना फिर अजीब से ही हो जाते हैं। चलो आप मुझे रोटी खा, अब इसको मैंने कर दिया जी आउट और आ गई हुई थी मैं। तो अब जी ये बनाने लगी है रोटी छोटी और मैं अभी जाती हूँ यासिन पढ़ने के लिए, तो आप लोगों से मुलाकात होती है ट्रिप सहरी के टाइम। तो यहाँ पर जी मैंने डाल दिया है एग फ्राई करने के लिए और हम बनाएंगे इसको फ़िश स्टाइल में, क्योंकि बचपन में हम लोग खाते थे बहुत ही मज़े का, मामा बना के देती थी इसको ना। इस तरीके से बनाने के बाद आप लोगों ने पहले इसको वन साइड जो है अच्छे तरीके से बना लेना है, पका लेना है, उसके बाद साइडों से इसको फोल्ड कर देना है, तो उसकी शेप बन जाती थी फ़िश। और हम लोग बहुत ही बचपन में हैप्पी होते थे जब भी मामा ये वाला एग बनाती थी। अब आप देख रहे हो कि ये एक साइड जो है वो कम्प्लीट हो गई है, रेडी हो गई, और इस तरीके से फ्रंट वाला भी अच्छे से बन गया है। तो एक साइड से आपने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसी तरीके से जी दूसरी साइड भी इसकी फ़ोल्ड करनी है, तो ये बन जाएगा फ़िश की शेप। और बचपन में स्कूल जाना, कॉलेज जाना और घर में बड़ा ही मज़ा आता था जब मामा बना के देती थी। मैं ज़्यादातर जो है ना साथ ही लेके जाती थी लंच, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था घर का, मैंने कभी भी ज़्यादा बाहर का नहीं खाया। तो मेरा भी एग जो है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पर तो कर लेते हैं जी सब सहरी जल्दी से, और भाई भी बैठ गए हैं, सब बैठ गए हैं, सब आ गए हैं। भाई सो गए थे? सो गए बैठे बैठे।
तो यहाँ पर जी दो पराठे, लस्सी एंड मेरा फिश ऑमलेट। तो अजानें जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो पढ़ लेते हैं जी जल्दी से नमाज। तो नमाज मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी सुबह। तो नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है, अब मैं बस सोऊंगी और बस रोज़ा जो है रख लिया है। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है, तो इसी व्लॉग को करते हैं जी कंटिन्यू, क्योंकि कल जाना है मुझे चचा की तरफ, क्योंकि वहाँ है जी हमारी अफ्तारी। तो डे का आगाज़ हुआ है जी सफारी मॉल से, हम लोग जा रहे हैं सफारी मॉल, कुछ भाई के लिए गिफ्ट वगैरह लेना था चचा के बेटे के लिए, क्योंकि जाना है जी अफ्तारी पे, तो जल्दी से अंदर चलते हैं और फिर जी मामा की मेडिसिन वगैरह भी लेनी है, वो भी ले लेते हैं हम लोग, और उसके बाद क्योंकि टाइम रह गया काफ़ी कम और हम लोगों ने जाके अभी रेडी शेडी भी होना है, तो सबसे पहले भाई गए हैं मामा की मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि आज मामा की मेडिसिन भी ख़त्म हुई हुई थी, तो वो लेने के लिए पहुँचे। और यहाँ पर बड़े अरसे बाद हम लोग आए हैं, जब हम लोग सफारी रहते थे तो हम लोग आए दिन यहाँ पर ही आते थे सफारी मॉल। तो बस जी अब जल्दी जल्दी से गिफ्ट्स वहाँ से तो मिले नहीं है, तो हम लोग आगे जैस्मिन मॉल यहाँ से लेते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि घर से आ रही है मामा की कॉल। तो गिफ्ट तो हम लोगों ने ले लिया, मैं आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा है और रोज़ा लगना शुरू हो गया है, तो घर पहुँचते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बहुत ढूंढने के बाद हम लोगों को ये खूबसूरत सा जो है क्रिस्टल का बॉल सेट मिला था, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं रैप शैप और फिर रेडी होते हैं जी। तो बस अभी असर की नमाज हो चुकी है और हम लोग होने लगे हैं जी रेडी शेडी, क्योंकि आज है इफ्तार पार्टी चचा की तरफ, तो जल्दी से रेडी होते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ मामा भी रेडी हो गई है माशाल्लाह से, और मेरे सिस्टर ने भी चेंज कर लिया है, तो मैं उसको भी दिखाती हूँ आपको, ये पहना है जी मेरी सिस्टर ने माशाल्लाह से, वेरी नाइस। हम लोग हो गए जी सब रेडी, और मैंने ये आज ऑफ वाइट ड्रेस पहना है, बिल्कुल सिंपल सा प्लेन सा, और थोड़ा सा फैंसी है नेक पे, ये मैंने खाटी से लिया था, बहुत ही अच्छा है ये, और मैंने ये पहना है। और भाई अभी रेडी हो रहे हैं, बस अभी थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है जी यहाँ पर 5:15। भाई भी माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं, ये कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है आप पे, सूट करता है। थैंक यू वेरी मच बेबी। बस जी हम लोग जा रहे हैं अभी, और काफी लेट हो गए हैं, 5:30 हो गए हम लोगों को, वहां पर भी दोनों वही करने वाले हैं, और माशाल्लाह से उन दोनों ने ही तारीख की तैयारी करनी है, तो इसीलिए टाइम ज्यादा लगा। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? माशाल्लाह इतने प्याले कपड़े पहने हैं, दिखाएं जरा इधर। हाँ जी, तो यहाँ पर हो रही है जी अफ्तार की तैयारी, और माशाल्लाह सब कुछ रेडी है, और ये भी दम पे है, ये क्या है सीक्रेटली, ये कुछ दम पे है, इधर भी कुछ दम पे है, और दमो दम हुआ है। इधर दिखाओ जरा कौन से शूज पहने, ओए ये तो आपने ताया कुछ ऐसे पहने, वो देखो। हाँ मामा भी बैठी हुई है, हम लोग आ चुके हैं चचा की तरफ, और यहाँ भाई भी बैठे हुए हैं, और किचन में चलते हैं और किचन में देखते हैं कि किचन में अभी क्या हो रहा है, किचन में तैयारियाँ शैरियाँ चल रही हैं। आदाब, तो यहाँ पर जी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर, इसके बटन और हम दोनों ने यहाँ पर खुद से पहने हैं, शुमाइला ने नहीं अभी पहना खुद से। रोजे की तैयारियां वगैरह चल रही हैं, और अफ्तार पार्टी जो है माशाल्लाह से काफ़ी कुछ हो चुका है रेडी शेडी, और यहाँ पर जो है सब लोग जो हैं रेडी हैं माशाल्लाह, सब ने ऑफ वाइट ज़्यादा पहना है, मैंने भी पहना है, असकर ने भी पहना है।
अस्सलाम वालेकुम। थक गए होगे? अस्सलाम वालेकुम। ये दोनों जा रहे हैं रोटियां शोटियां लेने के लिए, क्योंकि अफ्तार का टाइम आ चुका है करीब। ओके अल्लाह हाफिज। और यहाँ देखें कितनी प्यारी बर्ड्स, ये बर्ड्स नहीं तोते हैं सारे, सॉरी, और कुछ तोते ये हैं बड़े प्यारे से। तो यहाँ पर मौसम इतना प्यारा हुआ है इस टाइम, हर घर से पकौड़ों की खुशबू आ रही हैं, और खुशबूएं ही खुशबू आ रही हैं, क्योंकि इतनी प्यारी खुशबू इस टाइम आती है। लोग ज़्यादातर फ्रूट चाट बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, हर जगह से फ्राई चीज़ों की जो है ना खुशबू आ रही होती है, और दिल करता है बस जल्दी से अफ्तार हो और जल्दी जल्दी खाया जाए। और यहाँ कुकी ने ये पहन लिया मास्क, हंसकर हंसकर ने देख लिया ना, और तस्बीह कर लेते हैं जल्दी से क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहेगा। आ गए हो आप लोग? अच्छी नहीं लगेगी, चटनी पानी आ रहा है लेकिन गुनाह है। यहाँ जी इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो अभी टेबल सेट करने लगे हैं, तो चलते हैं किचन में और देखते हैं भाभी ने और सबने रेडी कर लिया, कितना काम रह गया। चलो जी माशाल्लाह यहाँ पर इफ्तार की तैयारी कम्प्लीट हो चुकी है। आपने कौन कौन सी डिश बनाई? चिकन कढ़ाई और चिकन ड्रमस्टिक्स। ओह माय गॉड, मैंने सजाई। अच्छा। सजाई सुना। माशाल्लाह अल्लाह मियां बरकत दे, खूब दे, तरक्की दे मेरे भाई को भाभी को, इतनी मेहनत की है दोनों ने। हजरत टिकट अनुपिया के मुताबिक कार का टाइम होने वाला है, आ जाएं। तो यहाँ जी बिरयानी वगैरह निकल रही है और बनाई है जी आज मेरे भाई ने कढ़ाई, बड़ी मज़े की। तो यहाँ हो रही है जी बिरयानी की गार्निशिंग, और इतनी मज़े की बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या बाजार की होती है। अभी मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए, फटाफट से नमाज पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ जी नमाज, मैंने कहा जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा बाहर जाएंगे आउटिंग के लिए, क्योंकि बहुत माशाल्लाह खा लिया। अच्छा ऐसे बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ अब स्वीडिश का टाइम आ गया है, बहुत ही मज़े की क्रीमी स्ट्रॉबेरी एंड बहुत से नट्स, और बहुत यमी थी। हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा बाहर, क्योंकि जैसे ही अफ्तार होती है तो उसके बाद दिल करता है थोड़ा सा या तो वॉक किया जाए या थोड़ा सा घूम घूम के आया जाए, घूमी घूमी करी जाए। तो वहीं जा रहे हैं अस्कर को लेके हम लोग सब, तो चलें बाहर निकलते हैं। मेरे पाँव में इतनी दर्द हो रही थी कि मैंने भाभी की चप्पल पहन ली। चलो डोर ओपन करो। तो जनाब हम लोग निकल चुके हैं बाहर, सोचा तो ये था कि वॉक करेंगे, लेकिन अब प्लान चेंज हो गया, हम लोगों ने सोचा कि सोडा वोडा पी के आते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सोडा मिलता है, तो वहाँ पर जाते हैं और सोडा लेते हैं, सबके लिए खुद भी पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो रास्ते से गुजर रहे थे तो माशाल्लाह काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पर, मस्जिद के पास बहुत ही ज़्यादा रश है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और मैंने ले लिया जी सोडा वोडा और मैं पी रही हूँ और सब भी पी रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ तरावी के लिए लोग कितने ज़्यादा आते हैं, कितना रश होता है।
तो बस हम लोगों ने सोडा वोडा पी लिया, अब हम जा रहे हैं जी घर की तरफ, क्योंकि घर चलते हैं और बैठते हैं और बातें शाते करते हैं, इंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। तो घर पहुंचते ही सबने सोचा कि प्लान किया कि घर चलते हैं, ईशा की नमाज का टाइम हो रहा है तो जल्दी जल्दी से घर पहुंचते हैं जनाब। तो अभी बस जी हम लोग जा रहे हैं घर और माशाल्लाह से बहुत मजा आया, आप लोगों से मुलाकात होती है घर पहुंचते ही। इश्माइला अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर माशाल्लाह दोनों भाई खड़े हुए बातें शाते कर रहे हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं और हम लोग चल के कार में बैठते हैं। आजकल पहले से ही वहाँ पर मुझार के बाद लोग सब वॉक पे निकले हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोग यहाँ पर आते हैं और वॉक करते हैं। आप लोग भी इस वेदर में इंजॉय करें जो लोग भी हैं जी, यही नहीं कि सिर्फ आप लोग रोज़े रखें और सो जाएँ, इबादत भी करें और घूमें फिरें भी, थोड़ा वॉक भी करें, अपनी फिजीक का भी ख्याल रखें। तो चलें अब चलते हैं हम घर, जल्दी से बैठते हैं कार के अंदर। हाँ जी, तो हम लोग आ चुके हैं घर। होप आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर देगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नए ब्लॉग में, किसी नए रिव्यू में मायरा भी हाजिर होगी। तब तक दें जी मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।